हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं ये बताने वाला हूँ कि बहुत सारे से पैसेंजर से जो अपना वेटिंग टिकट बुकिंग करवा लेते हैं या वो काउंटर पर जाकर बुकिंग करवाते हैं या खुद से बुकिंग करते हैं, तो उन लोगों को जब टिकट बुकिंग हो जाता है, इसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि मेरा जो टिकट बुकिंग हुआ है वो GNWL हुआ है या RLWL हुआ है या PQWL हुआ है, क्योंकि ये सब बहुत सारे से लोग हैं जो नहीं जानते हैं। और लोगों को ये पता है कि जो RLWL या PQWL वेटिंग लिस्ट है, ये बहुत कम चांस होता है टिकट कंफर्म होने का। इसीलिए कुछ लोग ज़्यादा पैसा पेमेंट करके या कुछ दूरी तक स्टेशन का ट्रेन का टिकट बुकिंग करवा के GNWL टिकट बुकिंग करवा लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स का मेरे पास में कमेंट्स आया है और व्हाट्सएप में मेरे से पूछा गया है कि सर, मैं कौन सा टिकट वैसा बुकिंग कराऊं जो मेरा टिकट कंफर्म हो जाएगा, या मुझे पता नहीं चलता है कि मेरा रूट में कौन सा वेटिंग लिस्ट टिकट मतलब मिल रहा है, या GNWL मिल रहा है या PQWL मिल रहा है या RLWL। अब बात सही है कि किसी को आजकल पता नहीं चलता है कि हमारा जो जिस भी रूट में हम ट्रेन में ट्रेवल करने वाले हैं उस रूट में हमको कौन सा वेटिंग लिस्ट मिल रहा है, या RLWL या GNWL या PQWL। तो पहले होता क्या था कि IRCTC का वेबसाइट में मिल जाता था देखने को GNWL, RLWL, PQWL, लेकिन अब ऐसा नहीं मिलता है। जब आप टिकट बुकिंग कर लेते तब पता चलता है। तो अब कैसे देख पाइएगा कि हमारे रूट में कौन सा वेटिंग लिस्ट चल रहा है, GNWL, PQWL, RLWL? इसके लिए आपको IRCTC का ऑफिशियल जो IRCTC रेल कनेक्ट ऐप है, आप इसी को ओपन करके इसी में सर्च करके देख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं इसी ऐप को ओपन करके सर्च कर रहा हूं, क्योंकि ये जो IRCTC का ऑफिशियल वेबसाइट माने IRCTC का ऑफिशियल ऐप है, इसमें आपको एकदम जेन्युइन तरीके से आपको इसमें शो होता है, क्योंकि और जो थर्ड पार्टी ऐप होता है उसमें जेन्युइन तरीके शो नहीं होता है। क्योंकि बात यह है कि सबसे पहले IRCTC का रेल कनेक्ट ऐप में अपडेट होता है, इसके बाद थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में अपडेट होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं एक कोणार्क एक्सप्रेस जो जिसका ट्रेन नंबर है 11019, जो कि CSMT से भुवनेश्वर तक मैं सर्च किया हूँ। ये जो ट्रेन है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई से लेके ये आपका भुवनेश्वर तक ये गाड़ी जाती है, ठीक है। तो जैसे कि ये गाड़ी का देख रहे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में 2 बजे ये वहाँ से ओपन होती है और भुवनेश्वर में आपको रात को 11:20 पहुँचाती है नेक्स्ट डे, ठीक है। तो ये जो गाड़ी है इसमें मैं एकदम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैं सर्च किया हूँ, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि कल का डेट में मतलब 22 जुलाई, तो इसमें आप देख पा रहे हैं 27 वेटिंग लिस्ट चल रहा है। लेकिन 27 वेटिंग लिस्ट क्या चल रहा है ये कैसे पता करिएगा? तो इसके लिए आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे टिकट बुकिंग करते हैं सेम वैसे ही आप बुकिंग करने जाइएगा। इसके बाद रिव्यू जनरल डिटेल्स पर आप देख जैसे ही क्लिक करेगा वैसे ही आपको GNWL71/WL29 शो हो पाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप मतलब चेक करके आप काउंटर टिकट बुकिंग करवाते हैं या खुद से टिकट बुकिंग करते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इसके बाद बुकिंग करिएगा। जैसे कि आप देख लीजिए कि आप GNWL चल रहा है, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कोई भी ट्रेन में अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं तो वो GNWL ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि ये जो ट्रेन है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मतलब पुणे और ये सिकंदराबाद होते हुए आती है, तो एक बार हम इसी ट्रेन में सिकंदराबाद तक का टिकट बुकिंग मैंने स्टेटस चेक कर रहे हैं कि इसमें क्या GNWL ही मिलेगा या RLWL मिलेगा या PQWL मिलेगा। तो देख पा रहे हैं कि कोणार्क एक्सप्रेस देख पा रहे हैं आप, ये भी 2 बजे मतलब वही ट्रेन है, सेम ट्रेन। इसमें मैं सर्च कर रहा हूँ तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें 61 वेटिंग लिस्ट चल रहा है, ठीक है, जो कि उसमें GNWL चल रहा था। इसमें देखिए 61 वेटिंग लिस्ट चल रहा है। देखिए अब इसको देखते हैं कि ये क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें PQWL वेटिंग लिस्ट शो हो रहा है, PQWL83/WL61 शो हो रहा है। सेम ट्रेन में आप देख पा रहे हैं कि PQWL/WL61 चल रहा है। ये लोग नहीं चेक इन खुद से नहीं कर पाते हैं और वो डायरेक्ट बुकिंग कर लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि उनको कौन सा वेटिंग मिल रहा है कौन सा नहीं, या उन लोगों को दिखता नहीं होगा कि हम कौन सा बुकिंग कर रहे हैं कौन सा नहीं। अब इसके बाद तो PQWL देख लिए, GNWL देख लिए, अब एक काम करते हैं CSMT मतलब अब एक काम करते हैं सिकंदराबाद से भुवनेश्वर तक एक बार बुकिंग करके देखते हैं कि उसमें क्या मिलता है, क्योंकि ये बीच का स्टेशन है सिकंदराबाद जो है, ये बीच का स्टेशन है। सेम मैं बुकिंग किया, देखिए इसमें 42 वेटिंग लिस्ट चल रहा है, 42, ठीक है, सिकंदराबाद से भुवनेश्वर, तो इसमें 42 वेटिंग लिस्ट चल रहा है। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा वेटिंग हमें मिलता है। आप देखिए इसमें RLWL वेटिंग लिस्ट मिल रहा है, RLWL74/WL42, मतलब एक ही ट्रेन में 3-4 प्रकार का वेटिंग लिस्ट टिकट मिलता है। इस तरह से आप चेकिंग करके आप अपना वेटिंग लिस्ट टिकट बुकिंग करवा सकते हैं इजीली। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं चलता है कि हम टिकट बुकिंग करने जाते हैं तो हमको ये सब समझ में नहीं आता है कि RLWL क्या होता है, GNWL, PQWL क्या होता है। तो इस तरह से IRCTC का रेल कनेक्ट ऐप में वो ऐसे करके आप वो देख सकते हैं कि मेरा बुकिंग क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करेगा कि GNWL टिकट बुकिंग करवाने के लिए, ठीक है। तो काउंटर पर जाने से पहले एक बार ऐसे चेक करके आप अपना टिकट वेटिंग टिकट बुकिंग करवा सकते हैं। सो आई होप कि आप सभी को हमारी जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।